इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए हम लोगों ने ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस सीखते वक्त कुछ बातें बेसिकली सीखी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्शन हमें अगर करना हो, या फिर इक्विटी स्टॉक्स के लिए या किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स के लिए हमें रिसर्च करना हो, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करना होता है या इकोनॉमी एनालिसिस करना होता है। एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है, से फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, देन एफएमसीजी सेक्टर्स, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्री। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंपनीज होती है, और अलग अलग कंपनीज की इंडिविजुअल शेयर प्राइसेस होते हैं। सो इट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस बिफोर डूइंग द इन्वेस्टमेंट, दैट इज इंडस्ट्री एनालिसिस। व्हाइल कंसिडरिंग द इंडस्ट्री एनालिसिस, इट रिफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स। इट रिफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। An industry is generally described as a homogeneous group of companies. An industry is a group of firms that have a similar technological structure of a production and produces similar products. For example, अगर कोई automobile industry है, तो वो अलग-अलग automobile different जो companies हैं, उन सभी companies को मिलाके एक industry form होती है। जैसे कि अगर हम लोग टेस्ला के बारे में बात करें, टेस्ला कंपनी के बारे में, तो टेस्ला ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कंपनी है, टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कंपनी है, देन बजाज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसी अलग अलग कंपनीज को मिला के एक इंडस्ट्री बनती है, राइट, जो एक सिमिलर तरह की प्रोडक्ट या सिमिलर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसे ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स जो होते हैं, उनके लिए बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग इंडस्ट्री हम लोग कह सकते हैं, राइट। द नीड फॉर द इंडस्ट्री एनालिसिस, क्या जरूरत होगी इंडस्ट्री एनालिसिस की? इंडस्ट्री एनालिसिस इज एन एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, एनालिस्ट नीड टू एनालाइज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री जस्ट टू सी इट्स अ पास्ट ट्रेंड्स, डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिक्स एंड फ्यूचर आउटलुक। पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स जो होता है, उनमें से स्पेसिफिक इंडस्ट्री सिलेक्ट करना और उस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने के पीछे जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स या प्रीवियस ट्रेंड्स जो है, उसके बारे में हम लोगों को रिसर्च करना होगा। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर बजाज फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड जो ईएमआई कार्ड्स या फिर लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इस कंपनी की 2008-9 के दौरान जो शेयर प्राइस थी वो 5 रुपीज थी। कितनी? ओनली 5 रुपीज शेयर प्राइजेस थी। बट अगर हम लोग यही आज की तारीख में देखें, तो यही लगभग 6980 या 7000 के करीब उस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस है। मतलब अगर कोई रिसर्च एनालिस्ट जिसने इंडस्ट्री एनालिसिस के करते वक्त या इकोनॉमी एनालिसिस करते वक्त 2008-9 के फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त अगर बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में इंडस्ट्रियल एनालिसिस, जो फाइनेंस सेक्टर था, अगर इकोनॉमिक रिसेशन आया है, तो इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स को जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, उन फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करने के लिए कैपिटल प्रोवाइडिंग फर्म्स जो थी वो आगे चल के ग्रोथ देने वाली थी या ग्रोथ उन्हें मिलने वाली थी। तो बिजनेस अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इनकम अच्छा होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा, तो और इनकम अच्छा होगा तो अल्टीमेटली बेनिफिट शेयर होल्डर्स को होगा। तो अगर किसी ने 2008-9 में
बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फिनसर्व की शेयर्स अगर 5 रुपए के भाव से लिए होते, 5-6 रुपए के भाव से 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते तो नियर अबाउट 13 CR उसकी आज की वैल्यू होती, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल एनालिसिस करते वक्त सिर्फ करंट प्राइसेस नहीं, पास्ट ट्रेंड्स, प्रीवियस डेटा, करंट डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म एंड फ्यूचर आउटलुक, इन सभी को कंसीडर करके हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस कंसीडर करते हैं। तो फाइनेंस सेक्टर इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी के शेयर्स लेने चाहिए, ये कंपनी एनालिसिस में आता है, राइट। पहले इकोनॉमिक एनालिसिस ओवरऑल व्यू लेने के लिए, देन सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री दैट इज इंडस्ट्री एनालिसिस, एंड थर्ड कंपनी एनालिसिस टू सिलेक्ट द इंडिविजुअल स्टॉक। द इंडस्ट्री एनालिसिस रिपोर्ट शेड्स लाइट ऑन द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंपनीज, underline the understanding whether it will be beneficial for the stakeholders to invest in such company and offering recommendations and or corrective actions to take in case of any untoward developments in the company। मतलब in short, अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर हम लोग इक्विटी रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसर्च एडवाइजेस प्रोवाइड करते हैं, तो उन एडवाइजेस के लिए हमें किसी कंपनी के स्टॉक्स को अगर हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करने हैं तो उन कंपनी की शेयर्स जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कैसे हैं, वो हमें जानने ज़रूरी है। ऐसा क्यों? बिकॉज समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में जितने सभी शेयर्स या जितनी सभी कंपनी इन्वॉल्व होती है उनमें से सभी अगर लॉस, इंडस्ट्रियल सेगमेंट अगर वीक चल रहा हो तो सभी कंपनीज जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है वो भी लॉसेस में ही होती है, राइट, या फिर डाउन ट्रेंड में होती है। शायद ही कोई ऐसी हो कि जो वाइस वर्सा ट्रेंड में ट्रेड करते हुए दिखे, राइट। So, before suggesting or before selecting the company, we need the industry analysis also, right? The industry classification, जो industries होती हैं वो different, अलग-अलग industries जो होती हैं, जैसे कि banking sector industries होंगी, infrastructure होगी, या फिर हमारी growth segment की होगी, FMCG sector, steel sector, iron sector, इस तरह की जो industries हैं, इन सभी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। मेजरली जो मैंने अभी कहे इनके बेसिस पे ओवरऑल कैटेगरीज जो होती है वो कैटेगरीज कुछ इस तरह से बनती है। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन में पहली ग्रोथ इंडस्ट्री, द ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैव अ स्पेशल फीचर ऑफ हाई रेट ऑफ अर्निंग्स एंड ग्रोथ इन एक्सपांशन इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। जो बिजनेस साइकिल होता है उसे छोड़कर खुद का एक अलग बिजनेस साइकिल होता है और जिनके लिए ग्रोथ एक्सपांशन या आने वाले फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न जो होते हैं वो मिलने के चांसेस इनमें इन सभी इंडस्ट्रीज में होती है। द एक्सपांशन ऑफ द इंडस्ट्री मेनली डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजिकल चेंज इन एवरी फेज ऑफ द हिस्ट्री। सर्टन इंडस्ट्रीज लाइक कलर टेलीविजन्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज हैव शोन अ रिमार्केबल ग्रोथ। अगर हम लोग देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ हम लोगों को पैंडमिक सिचुएशन में देखने को मिली है, यही ग्रोथ प्रीवियस कुछ ईयर्स में भी हम लोगों को देखने को मिली थी, राइट। लेकिन एक स्टेडी ग्रोथ मिलना और सर्टेन बूम इकोनॉमी डिमांड की वजह से हाइक मिलना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ग्रोथ इंडस्ट्री में हम लोगों अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं या फिर अच्छी खासी एक्सपांशन भी हम लोग वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज द साइक्लिकल इंडस्ट्री। व्हाट इज साइक्लिकल? तो इसमें जो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी होती है इंडस्ट्री की वो बिजनेस साइकिल के साथ मूव करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इनिशियल स्टेज हो बिजनेस साइकिल की, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखा है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की तरह बिजनेस लाइफ साइकिल भी होता है।
इस बिजनेस लाइफ साइकिल के लिए अगर हमारी इनिशियल स्टेज होगी तो शायद कंपनी की जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड दिखेगी, प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड दिखेगी। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस साइकिल अगर पीक लेवल पे होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी। एग्जाम्पल के तौर पे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, ये सभी आज पीक लेवल पे चल रहे हैं। इन सभी के प्रॉफिट मोटिव जो है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है, ग्रोथ जो है, वो बहुत अच्छी खासी है। ड्यूरिंग द बूम पीरियड दे एंजॉय ग्रोथ एंड ड्यूरिंग द डिप्रेशन और रिसेशन दे सफर अ सेटबैक। राइट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड किचन रेंज प्रोडक्ट्स कमांड अ गुड मार्केट इन द बूम पीरियड एंड अ डिमांड फॉर द देम इन द स्लैकनेस ड्यूरिंग द रिसेशन। मतलब ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक रिसेशन अगर हुआ तो लग्जरियस गुड्स की डिमांड कम होती है, नेसेसिटी गुड्स जो होती है उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। राइट, तो ये नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं ये सभी, या नेसेसिटी गुड्स से रिलेटेड जो कंपनीज या इंडस्ट्रीज होती है वो सभी डिफेंसिव इंडस्ट्रीज कहलाती है। डिफेंसिव इंडस्ट्री डिफाइन्स द मूवमेंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। फूड एंड शेल्टर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूमैनिटी। द फूड इंडस्ट्री विदस्टैंड्स द रिसेशन एंड डिप्रेशन। द स्टॉक्स ऑफ द डिफेंसिव इंडस्ट्रीज कैन बी हेल्ड बाय द इन्वेस्टर फॉर इनकम अर्निंग पर्पज। राइट, सो नॉर्मली किसी भी स्टॉक को ले लो या किसी भी कंपनी को ले लो, ज़्यादातर FMCG सेक्टर्स में आने वाले बेसिक फूड प्रोवाइडिंग कंपनीज जो होती हैं, अगर आपने देखा होंगे तो ग्रोसरी शॉप्स या फिर ग्रोसरी से रिलेटेड जितनी भी सारी कंपनीज थी, उन सभी कंपनीज की जो प्राइसेस थे इवन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिसेशन इन द 2008-09 एंड इवन इन केस ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन फ्रॉम द 2019 अच्छी खासी परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये सभी हमारी डिफेंसिव इंडस्ट्रीज में क्लासीफाई होती है, इन सभी के इस तरह के शेयर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज द साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री। ये चार टाइप जो है, जिसमें चौथा जो है साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री। राइट, ये सेम टाइम जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारी बिजनेस साइकिल के साथ ग्रोथ भी करती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है कि जनरली एक स्टैग्नेशन आता है। राइट, कब, जब वहाँ पे ज़्यादा सेल्स होता है या फिर ज़्यादा इकोनॉमिक बूम होता है या फिर ज़्यादा इकोनॉमिक रिसेशन भी होता है तभी। राइट, डिक्लाइन, बट दे ग्रो ट्रिमेंडसली। अगर किसी पर्टिकुलर रिसेशन में, अगर रिसेशन पीरियड अगर आप लोग देखो तो रिसेशन या स्लो डाउन पीरियड जो होता है इकोनॉमिक का, तो उस पर्टिकुलर लेवल पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो परचेसिंग जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से रेवेन्यूज कम होते हैं, जिसकी वजह से शेयर्स की प्राइसेस की मूवमेंट अपसाइड ट्रेड करना एक बंद हो जाती है या फिर वापस स्टेडी रहती है या फिर स्टेबल रहती है या फिर थोड़ा सा कम होती है। लेकिन जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ का फेज आता है तो इमीडिएटली जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाइक देखे जाती है। राइट, तो चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मॉडल हेल्प्स द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू रिज्यूम देयर ग्रोथ पाथ। तो इस तरह से अलग अलग, मतलब एक सर्टेन ग्रोथ इंडस्ट्री जो किसी भी बिजनेस साइकिल में अच्छी खासी ग्रोथ और अच्छी खासी रिटर्न देगी, साइक्लिकल इंडस्ट्री जो बिजनेस साइकिल के जिस हिसाब से बिजनेस साइकिल चलेगा उस हिसाब से हमें ग्रोथ देती चली जाएगी या रिटर्न या लॉसेस बेयर करने को दिखाएगी। डिफेंसिव इंडस्ट्री, नथिंग मैटर, चाहे वो इकोनॉमिक रिसेशन हो या फिर स्लो डाउन हो तो उसमें भी अच्छे खासे परफॉर्म करते हुए दिखती है। और साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री जो हमारी ओवरऑल बिजनेस साइकिल के साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इनके वजह से ज़्यादा अच्छे खासे रिटर्न शॉर्ट पीरियड में दे सकती है। राइट, तो ये चार इंडस्ट्रीज जो है ये बेसिक, इनमें आने वाली डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जैसे कि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर डिफेंसिव इंडस्ट्री में आता है। राइट, कंज्यूमर फूड से रिलेटेड FMCG सेक्टर्स में आने वाली कुछ कंपनीज ऐसी है जो डिफेंसिव में आती है। राइट, ग्रोथ इंडस्ट्रीज में कौन सी आएगी, तो ज़्यादातर ग्रोथ इंडस्ट्रीज जो होती है वो ज़्यादातर हमारी
जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो ग्रोथ इंडस्ट्रीज में कंसिडर होती है। तो इन सभी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन होता है। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, जिस तरह से हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इससे पहले देखा है उसी तरह से हम लोगों को इंडस्ट्री लाइफ साइकिल भी देखना है, जिसमें अलग अलग चार स्टेज आती है, पायनियरिंग स्टेज, रैपिड ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड स्टेबलाइजेशन स्टेज एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। जिस तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है सिमिलरली उसी तरह से अगर कोई इंडस्ट्री मार्केट में न्यू है तो इंडस्ट्री इन्वॉल्व होते वक्त, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ई बाइक्स जो है, ई बाइक से रिलेटेड ऑटोमोबाइल सेक्टर है लेकिन उसमें भी ई बाइक से रिलेटेड इंडस्ट्री नए से डेवलप होते हुए दिख रही है। तो दिस इज देयर पायोनियरिंग स्टेज, राइट, कि जहाँ प्रोस्पेक्टिव डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रॉमिसिंग इन द स्टेज एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट इज लो। ऑब्वियसली हमारी जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट से रिलेटेड पायोनियरिंग स्टेज अगर हम लोग देखें तो 2001 से लेकर 2003 से लेकर 3-4 से लेकर इस तरह की अलग अलग ई बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लॉन्च हो, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कर रहे थे, राइट, जिनमें टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वहाँ पे जो प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता था वो थोड़ा कम होता था। आज अगर हम लोग 10 या 12 साल के बाद में देखें, 12-15 साल के बाद में देखें, तो अच्छी खासी टेक्नोलॉजी हमें ई बाइक्स में भी देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, डिमांड बढ़ते हुए दिख रही है, राइट। सो द प्रोड्यूसर या फिर जो हमारी कंपनीज है वो डिफरेंट कंपनीज इस तरह के सेगमेंट्स में आना चाहती है। देर वुड बी सेवर कॉम्पिटिशन एंड ओनली फिटेस्ट कंपनीज सर्वाइव दिस स्टेज। ऑब्वियसली पायनियरिंग स्टेज जब होती है तो डिफरेंट अलग अलग नंबर ऑफ कंपनीज उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए रेडी होती है, जबकि उनमें से कुछ सर्वाइव करती है कुछ नहीं करती है। द प्रोड्यूसर ट्राई टू डेवलप द ब्रांड, डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट, सॉरी ओके। देन सेकेंड स्टेज इज द रैपिड ग्रोथ स्टेज। एक बार अच्छी खासी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गई, डिमांड क्रिएशन हो गई, उसके बाद में रैपिड ग्रोथ स्टेज, एक ब्रांड नेम गुडविल क्रिएट होने के बाद जो हमारी फर्म होती है उस फर्म ने पायनियरिंग स्टेज में सर्वाइव कर लिया, ये हम लोगों का कंसिडर होता है। देन जो मार्केट में कंपटीशन होती है उस कंपटीशन में वहाँ पर स्ट्रांगली हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के साथ और हमारे प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन के साथ हम लोग इंडस्ट्री में वहाँ पे सस्टेन करते हैं। देन द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन वुड हैव इम्प्रूव्ड रिजल्टिंग इन द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो हमारी यूज न्यू टेक्नोलॉजी पहले यूज़ की थी जिसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, तो वही कॉस्ट हमारी टेक्नोलॉजी एडिशनल इम्प्रूव करने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, और कंपनीज जो इस तरह की स्टेबल ग्रोथ रेट में आती है वो हम लोग रैपिड ग्रोथ स्टेज में आते हैं। तो इनमें ज़्यादातर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से, रेवेन्यूज की वजह से कंपनी डिविडेंड्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर को डिक्लेयर करती है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम लोग ज़्यादातर रैपिड ग्रोथ स्टेज जो होती है इस स्टेज में इन्वेस्टमेंट हमारे शेयर होल्डर्स क्लाइंट्स होंगे उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं, या इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें हम लोग इस तरह की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सजेस्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग जो अगला है, इट इज़ रिलेटेड टू द मैच्योरिटी एंड स्टेबलाइजेशन स्टेज, जो थर्ड स्टेज है, कि एक सर्टेन लेवल पे आके अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो स्टैग्नेशन हो गई है, स्टैबलाइजेशन हो गई, जिसमें हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रिलेटेड या फिर इंडस्ट्रियल रेट के एकदम इक्वल चल रही है, राइट। सो स्टेबलाइजेशन स्टेज मतलब इससे आगे और एडिशनल नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा था कि कुछ सालों पहले मोबाइल कंपनीज जो मोबाइल सेक्टर में जो कंपनीज थी, तो पहले 2D हैंडसेट सेल करते थे जिसमें स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, कीपैड होते थे फ़ोन में,
तो वो कीपैड इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वहाँ पे बढ़ती गई तो वैसे वैसे मोबाइल फोन की कंपनीज जो होती वो अलग लेवल से टेक्नोलॉजिकल बेस से इवॉल्व होते आगे चली गई। तो मोबाइल सेक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर होगी भी तो भी टेलीकॉम सेक्टर में आने वाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो थी उनमें भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस तरह का एक अलग सेगमेंट बना, जिसमें कम्पीट करने के लिए नोकिया जो वेल ब्रांडेड कंपनी थी, अच्छा खासा गुडविल जिन पे था, वो कम्प्लीटली वहाँ पे क्या हुई, स्टैग्फ्लेशन आ गया, एक मैच्योरिटी आ गई कि उनको नॉर्मल कीपैड की मोबाइल की रेंज पे बाकी स्मार्टफोन्स की जो अच्छी खासी लेवल थी वो उन्हें डेवलप नहीं करते आए। तो ऐसी सभी चीज़ें जो मैच्योरिटी स्टेज पे आके हम लोगों को इंडस्ट्री में देखने को मिलती हैं। देन द डिक्लाइनिंग स्टेज एंड वंस, आपको याद, आपको पता है कि गूगल जो कंपनी थी, तो गूगल कंपनी में एंड्रॉयड ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लॉन्च करते वक्त किसे पूछा था? तो इन्होंने नोकिया कंपनी को पूछा था कि आप हमारे साथ में कोलैब कीजिए, हम लोग न्यू फोन्स, स्मार्टफोन्स या न्यू मोबाइल फोन्स हम लोग डेवलप करेंगे जिसमें एंड्रॉयड ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। नोकिया कंपनी ने कहा कि नहीं बाबा, हम लोगों को आपके साथ में इस तरह के कोई जॉइंट वेंचर्स या टाइप नहीं करना है। एंड्रॉयड ने डिफरेंट अलग अलग मार्केट में अवेलेबल जो बाकी सारी कंपनीज थी उनके साथ में इस तरह के टाइप किए और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्ड स्मार्टफोन्स मार्केट में लेकर आए और उसी की डिमांड आगे चल के बढ़ी, जिसकी वजह से नोकिया कंपनी की खुद की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी उस ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड ना होने की वजह से उनका वहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज आया। उसी डिक्लाइनिंग स्टेज में नोकिया कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अपनी कंपनी बेच दी और माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया कंपनी के मोबाइल के साथ में अटैच करके उसी ब्रांड नेम के साथ में बेचने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो भी फेल्यूअर था। तो अल्टीमेटली जो डिक्लाइनिंग स्टेज होती है उसमें पर्टिकुलर कंपनी की जो प्रोडक्ट या इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है या डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से नया इनोवेशन जो होता है वो कंज्यूमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और पर्टिकुलर कंपनीज उसे मीट नहीं कर पाती हैं, राइट? तो ये थी हमारी डिक्लाइनिंग स्टेज। इस तरह की चार डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो हमारी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलती है, राइट? कौन कौन सी? सो पहली पायनियरिंग, सेकेंड रैपिड ग्रोथ, थर्ड मैच्योरिटी एंड फोर्थ डिक्लाइनिंग स्टेज। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन में चार टाइप की इंडस्ट्रीज, ग्रोथ इंडस्ट्री, साइक्लिकल इंडस्ट्री, डिफेंसिव इंडस्ट्री एंड साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री, राइट? आई होप ये चारों पॉइंट आप लोगों को क्लियर है एवरीवन।